हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन में स्वागत है। आप मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर हम जैसे कोई टेबल बना के उससे किस प्रकार से हम फॉर्म तैयार कर सकते हैं। एक्सेस से के अंदर हम टेबल बना के फॉर्म तैयार करना बताएंगे आपको। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में नहीं पता माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्या होता है, किस प्रकार से डाटाबेस का यूज किया जाता है, तो इसके वीडियो आप मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन में देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। हमने पिछली वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल बनाना सीखा था कि टेबल किस प्रकार से क्रिएट की जाती है। आज हम उस टेबल से फॉर्म तैयार करना सीखेंगे। अगर आपको टेबल क्रिएट करनी नहीं आती तो आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन में, आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा टेबल क्रिएट करने का। जैसे ही हमने ये देखी है, जैसे कोई टेबल ओपन कर रखी है, हमने जैसे बना भी रखी है टेबल और अलग से और ओपन क्रिएट भी कर रखी है एक न्यू टेबल, तो जैसे कोई भी टेबल क्रिएट कर रखी है। अब इसे जैसे हम सेव करने हैं तो किस प्रकार करेंगे, ये देखिए इस साइड आपको क्लोज टेबल दिखाई देगा, तो आप इस क्लोज टेबल पर क्लिक करेंगे तो वो वाली टेबल क्लोज हो गई है। अब ये देखिए हमने जो पहले से एक और टेबल ओपन कर रखी थी वो भी दिखा रखी है जो हमने क्रिएट कर रखी है। फिर हम क्या करेंगे, इसे क्लोज करेंगे तो ये हमने इसमें दोनों टेबल क्लोज कर दिया है। अगर आपको उस टेबल को सेव करनी होती तो आप क्या करते, जो हम क्लोज बटन पर क्लिक करते हैं, ये तो हमने सेव कर रखी थी इसलिए हमारी ये पूरी क्लोज हो गई है। अगर आपने जैसे क्रिएट करके टेबल और उसे क्लोज करेंगे आप तो उसमें ये पूछेगा यस और नो आपको सेव करनी है, तो वो सेव कर लेंगे, यस पर क्लिक करके सेव कर लेंगे आपको जहाँ भी सेव करनी है। तो ये तो अभी हमारी टेबल सेव करने की बात है। अब इस टेबल से हमें फॉर्म तैयार करना है, तो फॉर्म तैयार करने के लिए क्या करेंगे, ये सभी क्लोज करने के बाद हम ये देखिए क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए हमने क्रिएट पर क्लिक कर लिया। अब इसके अंदर देखिए फॉर्म्स का देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमारी फंक्शन, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, फॉर्म पर क्लिक करना है। इसमें देखिए अलग अलग फॉर्म दिए हुए हैं, फॉर्म फॉर्म डिजाइन्स अलग अलग प्योर चार्ट्स वगैरह जिस भी प्रकार का चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, फॉर्म फॉर्म पर क्लिक कर लेंगे सबसे पहले सिंपल फॉर्म। तो ये देखिए ये हमारे पास यहाँ सिंपल फॉर्म क्लिक होके आ गया, ये देखिए। अब इसमें ये देखिए आपको यहाँ व्यू ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको इसका फॉर्म का डिजाइन चेंज करना है तो क्या करेंगे, लेआउट व्यू पर क्लिक कर लेंगे, ये देखिए। तो इसमें ये देखिए हमारे पास यहाँ ऑटो फॉर्मेट इसके लेआउट दिखाई दे रहे हैं, आपको जो भी फॉर्म का डिजाइन देना है तो वो आप दे सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार हमारा फॉर्म का डिजाइन आ गया। ये तो हमने कर लिया फॉर्म का डिजाइन, आपको फॉर्म का डिजाइन जो भी चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं। अब हमें इसमें एंट्री करनी है फॉर्म में, तो फॉर्म में एंट्री किस प्रकार करेंगे, फॉर्म में एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, व्यू पर क्लिक करेंगे और फॉर्म व्यू पर क्लिक करेंगे। फॉर्म व्यू पर क्लिक करने पे ये देखिए ये हमारी फॉर्म में एंट्री होनी स्टार्ट हो जाएगी, ये देखिए कर्सर आ गया। तो इससे आप जो भी फॉर्म में एंट्री करने वो कर सकते हैं आसानी से, इस प्रकार हम इसमें एंट्री फिल कर लेते हैं। तो चलिए हम इसमें एंट्री करने स्टार्ट कर देते हैं। तो एंट्री स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पहले नेम फिल कर लेते हैं, ये देखिए हमने जैसे इसके अंदर फॉर्म के अंदर कुछ एंट्री कर ली है, जो हमने फॉर्म डिजाइन कर रखा है उसमें एंट्री कर ली है। अब जैसे ही आपको फॉर्म में एंट्री करने के बाद आप टैब बटन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी अगले नेक्स्ट फॉर्म में तैयार करने के लिए। ये देखिए फिर ये नेक्स्ट फिर आ गया फॉर्म तैयार करने के लिए। तो अब हमने जैसे उसे टैब बटन पर क्लिक कर लिया, अब जैसे उसे ही सेव करना है तो क्या करेंगे हम, ये देखिए आपको यहाँ क्लोज स्टूडेंट आईडी दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये क्या कह रहा है, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू द डिजाइन फ्रॉम स्टूडेंट आईडी, आपको चेंज करनी है या नहीं करनी वो कह रहा है, आप सेव करना चाहते हैं सेव एज करना चाहते हैं
तो वो देख लीजिए। तो हमें क्या करना है, इसे कोई भी चेंज नहीं करनी, अभी इसे सेव कर लेते हैं। तो यस पर क्लिक कर लेते हैं। तो यस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए होम नेम आ गया। होम नेम आप जो भी चेंज करना चाहते हैं वो कर लीजिए। जैसे हम यहाँ स्टूडेंट फॉर्म कर लेते हैं, ये देखिए होम नेम आ गया और ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा फॉर्म तैयार हो गया। ये देखिए स्टूडेंट आईडी टेबल हो गया, ये स्टूडेंट फॉर्म के नेम से तैयार हो गया। तो ये तो हमने जैसे सिंपली फॉर्म बना हुआ था उसे ही ओपन करके उसमें एंट्री फिल करके दिखाई थी। अब बात आती है हम जैसे कोई ब्लैंक फॉर्म से किस प्रकार से फॉर्म तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम ब्लैंक फॉर्म से तैयार करना बताते हैं आपको। ये कि ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक कर लिया हमने, ये क्रिएट के अंदर जाके आप ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक कर लीजिए। फिर ये देखिए जैसे हमने ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक किया तो उसके बाद हमारे पास यहाँ देखिए जो भी हमारी टेबल बनी हुई है वो दिखाई दे रही है राइट साइड में। तो हमें जैसे स्टूडेंट आईडी जो बनाई हुई है टेबल उस पर क्लिक कर लेंगे। तो ये देखिए जो भी हमने एंट्री कर रखी थी वो सभी शो कर रखी है हमारे पास यहाँ टेबल के अंदर। तो अभी इसके अंदर हमें फॉर्म के अंदर जो भी चाहिए वो आप एंट्री ले सकते हैं। अब जैसे हमें आईडी चाहिए तो आईडी पर क्लिक कर लीजिए, ये देखिए आईडी आ गया। फिर हमें जैसे स्टूडेंट नेम चाहिए, स्टूडेंट नेम आ गया। फिर हमें जैसे एक फोटो चाहिए, ये देखिए फोटो आ गया। आप इसे जैसे चौड़ा करना चाहते हैं तो चौड़ा कर सकते हैं। ये देखिए हमें इस बॉक्स को बड़ा करना है, ये देखिए आप इसे भी चौड़ा कर सकते हैं। फिर ये देखिए इसी प्रकार हम आगे ले लेते हैं जैसे एड्रेस। देखिए ये इस प्रकार हमारे पास यहाँ फॉर्म में ब्लैंक फॉर्म में तैयार कर ली हमने एंट्री, तैयार कर ली ब्लैंक फॉर्म भी। आप इस प्रकार से आसानी से तैयार कर सकते हैं। फिर इसे हम क्लोज कर लेते हैं। ये देखिए अब बात आ रही है क्लोज फॉर्म। इस फॉर्म को क्लोज करना है तो इस क्लोज फॉर्म पर क्लिक कर लिया। फिर ये देखिए डू यू वॉन्ट टू सेव चेंजेस टू द फॉर्म, इसको सेव कर लेंगे तो इस पे यस पर क्लिक कर लेंगे। अब इसका भी कोई नाम दे दीजिए, जैसे हम यहाँ फॉर्म वन ही दे देते हैं या फॉर्म टू कुछ भी दे दीजिए अपनी मर्जी से। तो फॉर्म नेम दे दिया और ओके पर क्लिक कर दिया। तो इस प्रकार से आज हमने टेबल से फॉर्म बनाना सीखा है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब ये देखिए आपको इस जितने भी चाहिए फॉर्म के अंदर एंट्री तो उसमें एंट्री कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार ब्लैंक फॉर्म में कर सकते हैं। आप इस प्रकार का फॉर्म चाहिए तो इस प्रकार के फॉर्म में एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें और मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।